हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? होप यू ऑल आर सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट डे। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को ईस्टर की बिलेटेड विशेस देना चाहूँगी। होप एवरीवन सेलिब्रेटिंग हैड अ ग्रेट टाइम। एंड सेकेंडली, ईद और गुड़ी पाड़वा की अर्ली विशेस भी। सो ईद मुबारक एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा इन एडवांस टू एवरीवन हु विल बी सेलिब्रेटिंग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग कल रात पौंडीचेरी पहुँच चुके थे। यहाँ पर बारिश हो रही है। आज हमारा प्लान है पौंडीचेरी बोटैनिकल गार्डन जाने का, जो कि हमारी होटल से काफ़ी करीब है। उसके बाद हम लोग पौंडी मरीना बीच, न्यू लाइट हाउस और यहाँ के फेमस बीच रोड घूमने का प्लान है। जल्दी से हमारे होमस्टे का टूर कर लेते हैं। सितंबर 2023 में ट्रेन की टिकट बुक करने के बाद, जब अक्टूबर 2023 में हमने जनवरी फर्स्ट वीक के लिए होटल्स ढूंढना शुरू किया, तो सब होटल्स मई 22 दिसंबर के बाद की बुकिंग नहीं ले रहा था। सारी वेबसाइट्स हमें कंसर्न्ड होटल को कांटेक्ट करने कह रही थी, और जब हमने होटल्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमें रेट्स नहीं दिए। जब दिसंबर 2023 में होटल बुकिंग शुरू हुई, तो आज शॉक, होटल्स के रेट्स रेगुलर रेट्स से 10 गुना ज़्यादा थे। जिस होटल का रेट ₹2,100 था, वो सब अब 23,000 बता रहा है। आपने सही सुना, 23,000 और ₹1,300 वाली होटल का रेट 13,000। हमने ये जगह दो रीजंस की वजह से ही बुक की। फर्स्ट, उमर विला ने हमारी बुकिंग्स रेगुलर रेट्स में ली। हमने दो एसी रूम्स बुक कराए 3 नाइट के लिए, और हमें इसके लिए ₹10,500 पे करने पड़े। सेकंड, ऑनलाइन बता रहा था कि ये एक होम स्टे है, यहाँ पर एक छोटा सा किचन भी है, लेकिन वहाँ खाना पकाना अलाउड नहीं है। एनीवे, हम लोगों को एक हॉट केटल दी गई थी, तो कम से कम हम चाय और कॉफ़ी जब चाहे अपनी मर्जी से पी सकते हैं। इस जगह का लोकेशन बहुत ही अच्छा है। पुडुचेरी रेलवे स्टेशन, बिजी स्ट्रीट, अन्नासलाई रोड और बोटैनिकल गार्डन, ये सब यहाँ से 10 मिनट से कम की दूरी पर है। फिलहाल बारिश रुक चुकी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लॉग नाउ। यहाँ पर कैमरा फ़ी 1,000 से 3,500 है, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन से फ्री में शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकर नहीं है। हमें हमारे तकरीबन 2 लाख के कैमरा और किट्स यहाँ टिकट कैबिन में रखने पड़े। पौंडीचेरी बोटैनिकल गार्डन 1826 में बनाया गया था, यहाँ पर पेड़ पौधों की स्टडी करने के लिए। नेचर लवर्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। इस गार्डन में 1500 से ज़्यादा किस्म के पौधे मौजूद हैं। ये गार्डन 30 हिस्सों में बनाया गया है। बड़े और ऊंचे पेड़ और फॉसिल प्लांट्स पौंडीचेरी बोटैनिकल गार्डन में हाइलाइट्स हैं। यहाँ पर कई किस्म के इंडेंजर्ड और एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज भी मौजूद है। एक एक्वेरियम, बच्चों के खेलने की जगह, जॉगिंग ट्रैक और टॉय ट्रेन भी है। काफ़ी अच्छी जगह है कुदरत के करीब अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ सुकून से वक्त गुजारने के लिए।
पांडिचेरी को पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ये 150 किलोमीटर दूर है चेन्नई से, जो कि कैपिटल सिटी है इंडिया के तमिलनाडु स्टेट की। ये सदर्न इंडिया के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तीन सौ सालों तक यहाँ फ्रांस की हुकूमत थी। 31 अक्टूबर 1954 को पांडिचेरी इंडिया का हिस्सा बना था। फ्रेंच लोगों ने अपने रहने के लिए एक एरिया को बनवाया और उसे नाम दिया वाइट टाउन। बोलने में काफ़ी रेसिस लगता है। वहाँ पर ज़्यादातर घर और बिल्डिंग्स फ्रेंच स्टाइल में बनाई हुई है। मैं मेरे ब्लॉग में उस जगह को फ्रेंच टाउन बोलूँगी, ना कि वाइट टाउन, सो डोंट माइंड। वेल, बिसाइड फ्रेंच टाउन, पांडिचेरी में बहुत से अच्छे बीचेस हैं और ऑरोविल विलेज बहुत ही फेमस जगह है। इस जगह पर बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। बोटैनिकल गार्डन और चर्च कॉम्प्लेक्स के बीच में एक बड़ा सा ड्रेनेज या नाला है। बोटैनिकल गार्डन बिल्कुल करीब है ये सेंट एंथनीज चर्च से। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है। लंच के लिए हम अल नफूरा रेस्टोरेंट में आए हैं। गूगल मैप सर इसे अल अजवा बता रहा है। ये सेंट एंथनीज चर्च से 2-3 मिनट की दूरी पर ही है, प्रोविडेंस मॉल के करीब। देखने में तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ चाय नहीं मिलती। एनीवे, होटल के बिल्कुल बाहर ही एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, कन्फेक्शनरी और स्नैक्स मिल जाते हैं। हम लोगों ने अपने लिए पीरी पीरी चिकन, चिकन 65 बिरयानी, चिली गार्लिक चिकन नूडल्स और ब्राउनी विद आइसक्रीम मंगवाया है। सभी खाना लाजवाब और रीजनेबली प्राइस था। अ फुल 5/5 स्टार्स टू अल नफूरा। अगर आपके पास वक्त है तो आप प्रोविडेंस मॉल भी जा सकते हैं। अब हमारा प्लान है पौंडी मरीना बीच और न्यू लाइट हाउस जाने का। यहाँ रिक्शा वाले 3.5 किलोमीटर्स की राइड के लिए 250 रुपीज़ मांग रहे हैं। हमने ओला बुक की और इसके लिए सिर्फ 175 रुपीज़ पे करने पड़े। पौंडी मरीना बीच फ्रेंच टाउन से 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये एक सैंडी बीच है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। प्रॉपर मरीना बीच वेयर इट इज। पौंडी मरीना में कई तरह की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। नेचर ट्रेल्स जैसे कि सैंडी बीच, रिवर माउथ साइटिंग, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग, हॉर्स और कैमल राइड्स एक्सेट्रा। दिस इज़ कॉल्ड रिवर माउथ व्यू पॉइंट। यहाँ नदी समंदर से मिलती है।
खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर्स। पौंडी मरीना एक फूड थीम जगह है, इसे पौंडीचेरी गवर्नमेंट ने बनवाया है। यहाँ पर कई फूड कोर्ट्स मौजूद हैं और बहुत सारी आराम से बैठने की जगहें भी हैं। यहाँ पर कई तरीके के खाने मिलते हैं और रीजनेबल प्राइस में। टर्किश आइसक्रीम, मलाबार फूड्स, केरला स्टाइल बिरयानी, सी फूड, लजीज कबाब्स, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ास, बर्गर्स, फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक और हर तरह के साउथ इंडियन फूड और स्नैक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी तरीके के राइड्स मौजूद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ साफ़ सुथरे रेस्टरूम्स भी मौजूद हैं। वैसे तो ये विज़िटर्स के लिए सुबह 9 बजे खुल जाता है, लेकिन ऊपर व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए सिर्फ शाम में 3 से 5 बजे के बीच में ही अलाउड है। पौंडीचेरी में 2 लाइट हाउस है। जो पुराना लाइट हाउस है उसे 1836 में बनाया गया था और वो 1978 में नया लाइट हाउस बनने तक काम कर रहा था। इस लाइट हाउस की हाइट 151 फीट है। व्यूइंग गैलरी तक पहुंचने के लिए 200 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये एक हेक्सागोनल टावर है और ये परफेक्ट जगह है सिटी और यहाँ की बीचेस के एरियल व्यू के लिए। 360 डिग्री व्यू फ्रॉम हियर इज जस्ट अमेजिंग। लाइट हाउस से हमारा होटल सिर्फ 2 किलोमीटर्स की दूरी पर है। रिक्शा वाले ने इस डिस्टेंस के लिए हम लोगों से 200 रुपीज़ ले लिए। ये मंदिर हमारे होटल से कुछ ही मिनट्स की दूरी पर है। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। ओ7 में बनाया गया बेसिलिका ऑफ सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस एक खूबसूरत चर्च है। ये पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के सामने ही है। विद ऑल द क्रिसमस एंड न्यू ईयर डेकोरेशन इट लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम।
हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी थी क्योंकि हमने पौंडी मरीना फूड कोर्ट पर और पौंडीचेरी स्टेशन के पास कुछ स्नैक्स खा लिए थे। वापस अपने होटल आते हुए हमें ये जगह दिखी, चलिए यहाँ का मिल्कशेक ट्राई करते हैं। जितने भी मिल्कशेक्स हमने पिए सब बेहतरीन थे। आज हम ऑरोविल गए थे, मैं बाद में उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाकर अपलोड कर दूंगी। क्राफ्ट बाजार एक खूबसूरत सा मार्केट है जो कि यहाँ के लोकल क्राफ्ट्समैन के कामों को शोकेस करता है। बट टू आर सरप्राइज ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, वो भी जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में। इस जगह को इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में बनाया गया था। इट स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न एंड ऑफ गांधी टिडल डायरेक्टली फेसिंग द महात्मा गांधी स्टैचू। चल किसका वीडियो लेता हूँ जैन, एक मिनट एक मिनट। खड़े हो नहीं है इधर उधर। ये जगह काफ़ी पॉपुलर है पौंडीचेरी में चाय कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए। हम लोग जब कभी भी यहाँ पर आए हर बार ये जगह भरी हुई थी लोगों से।
आज के लिए मैंने ये स्कूटी रेंट कर लिया है, येलो वेस्पा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ येलो वेस्पा, सो आई गॉट इट। मैंने इसके लिए 400 रुपीज़ दिए हैं। यहाँ स्कूटी लेने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बताना पड़ेगा और अपने आधार कार्ड की एक कॉपी देनी होगी। ये पौंडीचेरी के सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर जगह है। ये 1.2 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो कि मार्कस डुपुआ, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, स्टैच्यू से शुरू होकर कारगिल वॉर मेमोरियल पर ख़त्म होता है। ये पूरा रोड फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स बिल्डिंग से भरा हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडिंग फादर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर और स्कॉलर भी थे। आ लेडी ऑफ एंजल्स चर्च और जोएन ऑफ आर्क पार्क जाने के लिए हमें पीछे वाले रोड पर जाना पड़ेगा। ला कैफ़े इज़ दी ओनली वाटरफ्रंट कैफ़े इन पौंडीचेरी। 1952 में जब यहाँ बीच रोड पर ट्रेन्स चलती थी साउथ बुलेवार्ड से ओल्ड बुलेवार्ड तक, उस वक्त ये जगह पोर्ट ऑफिस हुआ करता था। महात्मा गांधी स्टैचू के सामने है ये फ्रेंच वॉर मेमोरियल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फ्रेंच इंडियन लोग शहीद हुए थे, ये उनकी याद में बनाया गया है। महात्मा गांधी स्टैचू पौंडीचेरी की सबसे फेमस और यहाँ की सबसे ज़्यादा विजिटेड जगह है। इस स्टैचू को 26 जनवरी 1965 में इनॉग्रेट किया गया था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 29 मीटर्स है। इस लाइट हाउस का फाउंडेशन स्टोन 1835 के आखिर में रखा गया था और ये फरवरी 1836 में इनॉग्रेट हुआ, और इसकी पहली सिग्नल 1 सितंबर 1836 में दी गई। फ्रीडम फाइट में शहीद हुए लोगों और इंडियन फ्रीडम के 75 ईयर्स पूरे होने की याद में ये ट्रिब्यूट वॉल 2022 में बनवाई गई थी। भारती पार्क फ्रेंच दौर में बनाया गया फ्रेंच टाउन के बीचों बीच में मौजूद गार्डन है। ये आई मंडपम जो कि गार्डन के बीचों बीच में है, और यही इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है।
तुमको कुछ चाहिए तो बोलो खाने को। नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली अभी पानी पीऊँगा, लेकिन मेरे को पहले टॉयलेट जाना है। मास मिलना चाहिए मेरा। 5 बजे है ना? हाँ मिलेगा। हमने बहुत सी रील्स देखी थी इस कैफ़े के बारे में, तो हमने सोचा कि लेट्स गो, इट लुक्स एस्थेटिक, लेट्स गो। बट हमारे लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग निकला, बिकॉज हम 4:30 के करीब यहाँ पर गए थे, अराउंड द टी टाइम, एक्चुअल टी टाइम, और यहाँ पे हमें ट्राई करना था हॉट चॉकलेट विद क्रोइसॉ। हॉट चॉकलेट तो हमें मिल गया, बट क्रोइसॉ वॉज नॉट अवेलेबल। फ्रेंच कैफ़े में क्रोइसॉ वॉज नॉट अवेलेबल एट टी टाइम, इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट ठीक है, उसकी जगह हमने एक वैनिला टी केक ले लिया। सो ओवरऑल हमारा चाय टाइम था और चॉकलेट विद टी केक। हम लोग अभी डूमा स्ट्रीट पर हैं और यहाँ से जोएन ऑफ आर्क स्टैचू एंड आर लिबर्टी ऑफ एंजल्स चर्च की एंट्री है। आ लेडी ऑफ एंजल्स चर्च को नोटरडेम डिस एग्नेस चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये पौंडीचेरी का 4th oldest चर्च है। ये पौंडीचेरी का एक ही चर्च है जहाँ पर तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश में मास होती है। तीन बार जंग में इसे डच और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल तबाह कर दिया था। आज जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे चौथी बार 1791 में बनाया गया था। श्री औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी का एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। इस जगह को बनवाया था श्री औरोबिंदो और मीरा अल्फाजा, जिन्हें द मदर और ला मेरे कहकर कहकर भी याद किया जाता है। मनकुला विनयागर टेम्पल लॉर्ड गणेशा का मंदिर है।
ये पॉन्डिचेरी की बहुत ही पॉपुलर धार्मिक और टूरिस्ट जगह है। यहाँ की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत है और रंग बिरंगी है। हमने यहाँ से कुछ सोवीनियर्स खरीद लिए हैं और अब प्लान है शाम में फ्रेंच टाउन घूमने का। आज हमारा यहाँ का आखिरी दिन है, रात में हमें ट्रेन लेनी है पॉन्डिचेरी से मुंबई के लिए। वापसी में हमने अपना डिनर इस कैफ़े से लिया है, जो कुछ भी हमने ऑर्डर किया था सब बहुत ही टेस्टी था। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, सी ऑल सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।